नया स्टीरियो लगवा लिया, ब्रांड न्यू स्टीरियो मैं भी लगवा लूंगा स्कॉर्पियो में, बढ़िया लग रहा है। एक बार कनेक्ट करियो, सही आ रही है क्वालिटी तो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज अनदर डे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं हेयर कट लेने के लिए और बियर्ड ट्रिम कराने के लिए। बहुत दिन के बाद मैं बाहर बियर्ड ट्रिम करा रहा हूँ। आपने मेरा पहले वाले व्लॉग देखे होंगे, उसमें मैंने घर पे बियर्ड ट्रिम कर ली थी। अब सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल हो गई है कोरोना की, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ आज मैं बाहर हेयर कट करा लूँ। तो बस उसी के लिए अभी बाहर जा रहे हैं। कि आपको हमने दिखाया था कि कल भूमि को और दीपक को दोनों को डोज लगी थी सेकंड की, तभी तभी बिल्कुल ठीक है, उनको कोई भी फीवर नहीं आया। तो सेकंड डोज के बाद कोई फीवर नहीं आता है। मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने अपना पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है सेकंड डोज के बाद, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो शेयर किया है उसमें। उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लो। कि हम पहले हेयर कट करा लेते हैं, दो तीन काम और हैं आज के, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। स्टे ट्यून्ड। गुज, हां भैया, कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा भैया, सही तो भैया जी, ये बैठे गाड़ी में, जल्दी बता, 10 मिनट में ही गाड़ी में बैठे, पर हम बता दियो, आवाज मार दियो। क्या कह रहा है, कितना टाइम लगेगा? अभी कह रहा 2 मिनट के बाद नंबर आ जाएगा मेरा, उसके बाद फिर तू चले जियो, ठीक है? आधे घंटे ज्यादा होगा, कह दी मैंने उससे, कह रहा 2 मिनट में आ जाओ, मैं करवाने चला जाऊंगा 2 मिनट के बाद। बाल तो सही से लग रहे हैं यार, पर थोड़ी सी बियर्ड सेट हो जाएगी ना। सही हो गए हैं बाल, बियर्ड भी सही हो गया, फेस कट सही हो गया पहले से। यार यूट्यूब का एक नया फीचर भी आ गया, अब क्या होगा कि जो नए यूट्यूबर्स भी है ना, उनकी वीडियोस पे भी एड्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो एक मेल आई है मेरे पास, जो क्रिएटर्स हैं उन सबके पास वो मेल आई होगी। अब होगा क्या, अगर कोई भी यूट्यूबर है, चाहे उसका चैनल मोनेटाइज है या नहीं है, 1 जून से उसकी वीडियोस पे एड आनी शुरू हो जाएंगी। बट ये फीचर पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और एक दो यूट्यूबर्स भी हैं जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी इस फीचर के अगेंस्ट है। मतलब वो लोग भी बोल रहे हैं कि ये फीचर सही नहीं है, ये अपडेट सही नहीं है यूट्यूब का। क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी जी हैं, तो उनका क्या है कि उनके चैनल पे कोई एड नहीं आती, उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं बट वो एड नहीं रन करते हैं। उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा हुआ था फेसबुक पे, वो मैंने पढ़ा था। उन्होंने बोला था कि जैसे यूट्यूब का जो प्रीमियम फीचर्स है ना, वो क्रिएटर्स को भी मिलने चाहिए। अगर कोई क्रिएटर अपनी वीडियो पे एड्स नहीं चलाना चाहता है तो उसको भी एक ऑप्शन मिलना चाहिए। तो यार ये फीचर मतलब मेरे को पसंद नहीं आया पर्सनली, क्योंकि अगर मैं नया यूट्यूबर हूँ, ठीक है, वो मेरी वीडियो को पूरा क्यों देखेंगे, उनको बीच में एड्स भी मिल जाए देखने के लिए। काश कि यूट्यूब ये अपडेट को खत्म कर दे, मेरा चैनल ऑलमोस्ट मोनेटाइज होने वाला है। पहले तो मतलब ये लगता था कि यार कैसे करके एड्स आ जाए, अब ये लगता है कि मोनेटाइजेशन होने से पहले एड्स नहीं आने, देखते हैं अगर ये चेंज हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। दीपक भी आ गया, अब चलते हैं, ठीक है? यस शिवी, हो जाएंगे अब की बारिश में, हो जाएंगे बड़े बढ़िया, लोग बोलेंगे इनसे। घास हटानी पड़ेगी, घास दोबारा आ गया। मैं सोच रहा हूँ ये वाला जो टायर है ना, इस पे ही पेंट करके यहाँ भी पौधा लगा दूँ। पहले से सही हो गया इनमें पौधे जो लगाए हमने ना, ये वाले सही हो गए, ऐसे ही लगा देंगे। हाँ इन्हें मिट्टी मिल गई नीचे, गर्म भाप बनेंगे जड़ सूख जाएंगी, और नीचे मिट्टी है थोड़ी बहुत ठंडी रहे, तो हमें पक्का ना करवाना चाहिए, यही लगा देते हैं ना, इसी से कवर हो जाता है ना। सो गाइस, इस टायर को अंदर लेके चलते हैं, इसको पेंट कर देते हैं और आज इसको सेट करते हैं। धूप भी निकली हुई है, थोड़ी देर सुखाना भी पड़ेगा इसको। अंदर पानी भरा हुआ है इसमें, कैसे निकालूं अब? येलो चीची, आ जाओ आ जाओ। पेंट ले आया मैं, देखो येलो कलर का पेंट लगाएंगे इस पे। Try not to hold me down, feel alive when I'm in this
this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. दोस्त ने खोली है तो उस जिम को एक बार देखने जा रहे हैं। अब जैसे जैसे धीरे धीरे अनलॉक होने वाला है तो सोच रहे हैं कि अब जिम ज्वाइन कर लें, तो बस उसी के लिए एक बार देख के आते हैं उस जिम को। क्या नाम है दीपी जिम का? केजीटी केबीटी। हाँ, केबीटी जिम है, पलवल में ही नहीं खुली है। चीज हो रहा है यार, किसी ने पूछा था कमेंट में कि आप कहाँ से हो, तो जिसने पूछा था भाई संजील नाम है शायद, तो कमेंट किया होता तो हम पलवल से हैं। और एक कमेंट और आया था एक भाई का, उसकी एज 20 इयर्स है, तो वो पूछ रहा था कमेंट में कि वैक्सीन आपके यहाँ पे 18 इयर्स से प्लस वाले भी लगवा रहे हैं क्या? 18, 19, 20 सब एज ग्रुप के लगवा रहे हैं, हमारी सोसाइटी में भी 18 से ऊपर वाले बच्चों ने लगवाई है, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। तो भाई ने कमेंट किया हुआ था कि क्लॉटिंग वगैरह की न्यूज सुन रहे, तो भाई न्यूज इतनी देखो जितनी जरूरी है। ये वैक्सीन आज नहीं तो कल लगवानी पड़ेगी, सबको लगवानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो सेकेंड वेव आई है, थर्ड वेव भी आएगी, फोर्थ वेव भी आएगी, तो हमारी फैमिली ऑलमोस्ट वैक्सीनेटेड होगी अब तो फुली। एक दीदी को रहेगी और जीजू वगैरह को उनकी फैमिली रहेगी है, बाकी उनको एक एक डोज लगी है उनको। हमारी भी फैमिली में पांचों मेंबर्स को दोनों डोज लग चुकी हैं। और हम यार प्लान भी कर रहे हैं कहीं बाहर घूमने जाने का ना, हमारा नॉर्थ ईस्ट घूमने का प्लान था हमारा जून जुलाई में, फिर ये लॉकडाउन लग गया, प्लान बना रहे हैं कहीं भी आसपास घूम के आते हैं। बहुत दिन हो गए घर में पड़े पड़े, देखते हैं जैसे भी गाइडलाइन आई गवर्नमेंट की, जैसे भी अनलॉक होगा उसके अकॉर्डिंग फिर घूमने का प्लान बनाएंगे जल्दी। भाई तगड़ी वाली आंधी आने के चांस है, दीपा देख सामने पूरे में धूल धूल हो गई है, साइक्लोन है। यस साइक्लोन का इफेक्ट लग रहा है, यहाँ तो जा लिया ना, इतना उतर गया था वो, अब यस आ रहा है ना वहाँ तो उड़ीसा बंगाल में, तो यहाँ पर पहुंचा होगा। ओ भाई साहब एक नंबर, एक यार दीपा जाओ तेज यहाँ दी, हाँ देखियो फूल, देखियो वहाँ ऊपर फूल चक्कर बन गया दूर गए तो। से फिर भी ठीक है, मौसम ज्यादा खराब नहीं है, कभी बारिश आ जा रही है, शाम को और सुबह तो बढ़िया ठंडक रहे। भाई ये मैं लेके आया था बाली से पक्की गाड़ी के लिए, बड़ा सही लग रहा है ना, व्हाइट कलर में ज्यादा बढ़िया है, मेरी स्कॉर्पियो में ब्लैक है ना वो दिखाई नहीं देता इतना, इसमें ना दो तीन कलर हैंग कर दो ना सही लगते हैं। हाँ हाँ तीन चार कलर होते हैं इसके अंदर, वो ज्यादा बढ़िया लगे। ये पलवल का फ्लाईओवर बन रहा है ना, जो ये जिस दिन कम्प्लीट हो जाएगा उस दिन असली मजा आएगा पलवल में रहने में। हाँ वहाँ से चढ़ेंगे वहाँ लालपुर चौक से और सीधे ओमेक्स सिटी के गेट पे उतरेंगे ना, ये बन जाए और एक वो मुंबई वाला हाईवे बन जाए, सीधे मुंबई की ट्रिप मारेंगे। एक क्या है वो गुड़गांव मुंबई हाईवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, वो बन जाए पहली ट्रिप मारेंगे मुंबई की, और फिर सीधे वहाँ से गोवा और गोवा से केरल, सारा साउथ घूम के आएंगे उसमें हम। गोवा से केरल अपना 15 दिन की ट्रिप मारेंगे और 15 व्लॉग बनाएंगे, 15 दिन के 15 व्लॉग। इतनी खुशी, मजा ही आ जाएगा है ना। गुजरात नहीं जाएंगे यार, गुजरात पसंद नहीं आया हमें, गुजरात में रात के 2 बजे पुलिस वालों ने रोक दिया यार। बाकी अपनी राजस्थान ट्रिप बहुत बढ़िया थी ना, राजस्थान का एक नंबर का था। गुजरात में यार रात में 2 बज रहे थे और पुलिस वालों ने रोक दिया, जब हम वहाँ से जाते हैं ना, कहाँ से थी, जैसलमेर से जाएंगे माउंट आबू के लिए, तो बीच में गुजरात पड़े कुछ किलोमीटर का, तो वहाँ रोक दिया पुलिस ने रात में 2 बजे, और एक एक बैग का एक एक कपड़ा निकलवा के चेक कर लिया उन्होंने। एक्चुअली क्या है कि गुजरात में दारू बैन है, तो लोग क्या करते हैं कि वहाँ से राजस्थान से ले जाते हैं गुजरात में अपने सामान में भर के, मजे ले रहे भूचाल हो गए। भूचाल वो बिठा लिया अलग और हम सब भी कर रहे चेकिंग, बहुत बढ़िया। राजस्थान के जो रोड है ना, हमने एक्सपेक्टेशन करी ना उससे बहुत बढ़िया बना रखे हैं ना राजस्थान का। अगर तुम जैसलमेर से वहाँ जाओगे ना लोंगे वाला की तरफ, तो ऐसे लगेगा दुबई में आ गए, दुबई में आ गए, बिल्कुल दुबई वाला रोड लगेगा अगर आप लोंगे वाला की तरफ जाओगे जैसलमेर से, सेम सेंट ड्यून से। सेम सेंट ड्यून से जाओगे लोंगे वाला, राजस्थान ट्रिप दोबारा करेंगे एक बार पूरी, कई जगह रहेगी हमारी, चित्तौड़गढ़ रहेगी है। भूचाल वो बुला ले जल्दी भैया, कसम से 2 दिन से मेरा मन कर रहा कहीं घूमने जाने।
लोकल तो ऋषिकेश की तो बन जाएगी, ऋषिकेश चलेंगे, ऋषिकेश का लोकल ले अपने साथ ही एक ऋषिकेश या फिर शिवपुरी, शिवपुरी से भी ऊपर ऋषिकेश की ट्रिप बनेगी अब जल्दी, ठीक है। और ऋषिकेश में रुकेंगे एक गांव में, ताज होटल है ना ऋषिकेश से ऊपर, शिवपुरी से ऊपर श्रीनगर रोड पे वहाँ गांव है, वहाँ गांव में रुकेंगे लोकल, बिल्कुल गांव में घर में रहेंगे। मेरा दोस्त है एक वहाँ का ऋषिकेश का, तो वो कह रहा है मेरे घर पे चलो। काले काले बादल हो गए, पूरे रात हो गई भाई, अभी टाइम हो रहा 5:49 हो रहे हैं, और ये देखो मौसम का हाल। जिम बंद है मेरे ख्याल से, मौसम खराब है, चक्कर में कर रखी होगी। अरे संडे के चक्कर में बंद कर रखी होगी दीपक, उसमें हम देखने आए थे ना वो जिम अभी तो बंद है, बाकी कल देखेंगे, अगर कल खुल रही होगी तो एक बार कल घूम के जाएंगे। और बारिश आनी शुरू हो गई है, देखो दिखाऊंगा आपको, मजा आ गया बारिश में। साइड में लगा लेना गाड़ी, थोड़ी साइड हल्की साइड में लगा लो, उसके वहाँ लगा ले, वहाँ सामने देख रोड पे ही है वो। आम कैसे दिए? आम 100 का 1.5 किलो भाई। बढ़िया मजे आ रहे होंगे बारिश। छोटे तरबूज कैसे दिए? तरबूज कैसे दिए? तरबूज हाँ, तरबूज 70 रुपए। कितने? एक दर्द बढ़िया से निकाल दियो। तो गाइस अब हम जा रहे हैं वापस घर, एक काम करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी और आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो लाइक जरूर कर दिया करो, वो आपका हक बनता है लाइक करने का, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई। और कमेंट करके बताया करो कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लिव योर लाइफ, मेक योर ड्रीम्स, बूम।